आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल लाइव आ रहे हैं भाई, हिस्ट्री का मेमोरी मैजिक कोर्स लॉन्च हो गया है, लॉन्च होगा कल, तो कल आना जरूर। ऐसी टेक्निक्स बताएंगे, मजा आ जाएगी। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नए आर्मी चीफ बनाए गए हैं, यह बहुत बड़ी खबर है। 1962 में 6 मई 1962 में इनका जन्म हुआ था और ये इंजीनियरिंग कॉर्प से आते हैं, ये बड़ी बात है। अभी तक हमने देखा, यहाँ पे ऑफिशियल्स ने बोला कि लोग इंडियन एयरफोर्स जो चीफ बनते हैं वो मतलब बेसिकली उस यूनिट से आते हैं जो कि कॉम्बैट यूनिट होती है, बट ये तो एक टेक्निकल यूनिट है, इंजीनियरिंग कॉर्प्स। हालांकि वाइस ऑफ आर्मी थे ये, मतलब वाइस चीफ थे बेसिकली आर्मी के, ठीक है, वाइस ऑफ, अरे यार मैं हमेशा भूल जाता हूँ, VCOS, ठीक है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो बट अभी ये इंजीनियरिंग कॉर्प से आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इनका स्वागत किया है। अब आपको पता ही है एम नरावने जो हैं, जनरल एम नरावने, वो अब माइट बी पॉसिबल कि उनको CDS बनाया जाए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्योंकि आपको याद है कि पिछले दिसंबर बहुत ही दुखद घटना हुई थी जब हमने CDS जनरल बिपिन रावत को खो दिया। इट वॉज वेरी वेरी ट्रोमैटिक, और ऐसा बोला जा रहा था कि जो फ्रंट रनर हैं वो नरावने ही हैं, तो अब उनको शायद CDS बनाया जाएगा, वो रिटायर हो रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो चीफ होते हैं, जैसे आर्मी चीफ हैं, 62 ईयर्स इनकी रिटायरमेंट एज होती है, या 3 साल, अब इनमें से जो भी पहले आ जाए, जैसे अभी ये 59 ईयर्स के हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये 3 साल यानी कि 62 ईयर्स तक, वैसे जैसे अब मान लीजिए कि कोई 61 ईयर में आर्मी का चीफ बन रहा है, एयरफोर्स का चीफ बन रहा है, नेवी का चीफ बन रहा है, तो 62 में ही वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3 साल या 62 जो भी पहले हो। अच्छा, CDS जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो 65 साल तक, तो आप समझ ही सकते हैं कि CDS जो है वो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, सबसे बड़ी। अभी तो बनाई गई थी ताकि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इंटीग्रेट हो सके, एक ही यूनिट बन सके, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। तो अब ये समझिए कि जब आप आर्मी चीफ से रिटायर होंगे तभी तो आप CDS बनेंगे ना, इसीलिए इसकी जो रिटायरमेंट एज है वो ज्यादा रखी गई। फिलहाल हम बात करेंगे दोस्तों मनोज पांडे की, और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ऑपरेशन पराक्रम के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा शानदार मोटिवेशन कोर्स है वो 23 अप्रैल से लाइव क्लासेस शुरू होंगी, सैटरडे संडे लाइव क्लास होंगी। सिर्फ 25 कूपन कोड यूज करना, सिर्फ 200 रुपए में मैंने ये कोर्स निकाला। आमतौर पे एक एक सीट इन कोर्स की बहुत महंगी होती है, बट मैं बहुत ही कम दामों में अफोर्डेबल प्राइस है। इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, आपको बता दूं 3 फेजेस में मैंने कोर्स को डिवाइड किया है। फेज 1 आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फेज 2 आपको डेवलप करेंगे, और फेज 3 जो होगा मैं बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगा जो कमाल कर देंगी। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अपॉइंट एज दी न्यू आर्मी चीफ, ये बहुत बड़ी बात है। अब इनका जो करियर है बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड है, 39 साल का तो इनका करियर है, बाप रे इतनी तो एज नहीं है भाई मेरी, ठीक है, 39 ईयर्स का इनका करियर, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। 1982 में इनको आर्मी में इंडक्ट किया गया, तो आपको पता ही ना कि आपको अगर आर्मी में जाना है, वैसे तो देखिए दो हैं, अगर आपको हाई पोस्ट के लिए जाना है तो यू हैव टू गिव NDA, UPSC एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो इसमें या तो आप NDA दे दो, नेशनल डिफेंस एकेडमी, या फिर आप CDS दे दो, ठीक है, तो या तो आप NDA का एग्जाम दे दो या तो आप CDS का एग्जाम दे दो। ये एग्जाम आपको 12th के बाद देना है, मैंने भी एग्जाम निकाला था लेकिन स्क्रीनिंग आउट, 3 बार मैंने SSB दिया है बट वो सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। या तो आप CDS दे दो, ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। अब NDA में जब आप एग्जाम देते हो तो उसमें आपको जब आप जाओगे, जब आप आर्मी आपको लेगी, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो आपका रिटर्न होता है, रिटर्न में आपका मैथ्स, इंग्लिश और GS आता है, और उसके बाद फिर आपका जो 5 दिन का SSB होता है भाई, उसमें बैंड बज जाती है, वही मेन होता है, ठीक है। तो पहली बार तो मैं स्क्रीन आउट ही हो गया था, तो वो 5 दिन तक चलता है, देन फाइनली आप अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, काफी टफ एग्जाम होता है, तब आपको 4 साल का ये कोर्स होता है, 3 साल तक आपका ग्रेजुएशन ही होगा, ठीक है, आप जो भी करना चाहे, उसके बाद 1 साल आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है ना, IAM इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नाम ही देखो यार, नाम सुनते ही जोश आ जाता है। CDS में क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर चुके होते तो आपको 1 ही साल की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इन्होंने NDA ही निकाल लिया था, ठीक है, और उसके बाद फिर इन्होंने देखिए जब आप आर्मी के अंदर जाते हैं तो और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप फर्दर ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हैं, तो इन्होंने फिर पहले तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया क्योंकि NDA निकाला, फिर मिलिट्री ने इनको ग्रेजुएशन कराया, देन उसके बाद इन्होंने फर्दर डिग्री ली इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग, एंड देन डिफेंस कॉलेज में इन्होंने इंजीनियरिंग ली, ठीक है, तो इंजीनियरिंग की उसकी डिग्री ली, तो इसीलिए
इंजीनियरिंग कॉर्प्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही टेक्निकल पर्सन है, राइट। अब जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको एज अ लेफ्टिनेंट चुना जाता है, ठीक है, यू विल बी सिलेक्टेड एज द लेफ्टिनेंट, फिर आपके प्रमोशन होते हैं, इनफैक्ट सेकंड लेफ्टिनेंट चुने जाते हैं, ठीक है, देन उसके बाद लेफ्टिनेंट, देन उसके बाद आप कैप्टन बनेंगे, देन मेजर बनेंगे, देन ब्रिगेडियर बनेंगे, देन कॉलोनल बनेंगे एंड देन जनरल बनेंगे, राइट। तो ये पूरी की पूरी हायरार्की होती है आर्मी की। चलो, तो आर्मी वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को 18 अप्रैल को बना दिया गया है चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो 1 मई को ये ऑफिस को अज्यूम करेंगे। 59 इयर्स के हैं ये, 3 साल तक इनके पास ये ऑफिस रहेगा। डेफिनेटली जो एम नरावने हैं उनको सीडीएस बनाया जाएगा, और कौन बनाया जाएगा भाई, जो सीनियर मोस्ट होगा वही तो सीडीएस चुने जाएंगे। तो जनरल मनोज मुकुंद नरावने को ये सक्सीड करेंगे, 30 अप्रैल को वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। डोंट क्लैप, यू आर इन यूनिफॉर्म, क्या बात है। वो आपने देखी कि नहीं, जब कॉलेज में स्पीच देने पहुंचे थे मुकुंद नरावने, सरकार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इनके पिताजी जीसी पांडे, इनका वैसे पूरा नाम है मनोज चंद्रशेखर पांडे, इनके पिताजी जो है सीजी पांडे, सॉरी, वो साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो भी नागपुर से ही बिलोंग करते हैं, और ये भी ये तो करेंगे नागपुर से बिलोंग, ठीक है, जब इनके पिताजी वहां पे हैं, तो काफी पढ़ा लिखा परिवार है, एंड इनको भी शुरुआत में जबरदस्त एजुकेशन दी गई, काफी ब्रिलियंट माइंड रही है, ओके। तो ये चीज है। अब आप ये देखिए कि ये ही विल बी द फर्स्ट कमांडर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर। देखिए 1782 में कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर बनाया गया था, है ना। क्या करते हैं ये, जैसे जो कॉम्बैट यूनिट होती है ना, वो तो लड़ाई करेंगे, लेकिन ये जो इंजीनियरिंग कॉर्प्स होता है ना, ब्रिज बनाना, नए नए तरीके निकालना, रोड्स बनाना, ये सारी की सारी स्ट्रेटजी, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो यही सॉल्व करते हैं। आप कहते हो ना, जैसे मुझसे अक्सर पूछा जाता है, सर यूपीएससी में आजकल इंजीनियर ज्यादा निकाल रहे हैं, बिकॉज दे हैव सॉल्यूशन। इंजीनियर्स इसीलिए कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो सोल्यूशन निकाल देते हैं। पूरी इंजीनियरिंग सिखाया ही जाता है कि कठिन से कठिन प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सो ही विल टेक द चार्ज। अब ये तो ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, एंड ही सर्विंग एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब बड़ी बात ये है कि इनका एक्सपीरियंस, ये आप देख सकते हैं, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स की बात करें तो, अगर बात करें तो उसको 1780 में बनाया गया था। मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे, 3 प्रेसिडेंसीज थी उस समय, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन तीनों को मर्ज करके कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर बनाया गया था 1932 में। अब आप ये देख सकते हैं कि कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में 4 कंस्टिट्यूएंट्स हैं। सबसे पहले तो आपके कॉम्बैट इंजीनियर्स, देन एमईएस, और याद रखिएगा इसके लिए वॉन्ट्स निकलती हैं, देन बी बॉर्डर रोड्स एंड मिलिट्री, बॉर्डर बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, रोड बनाने का काम, देन मिलिट्री सर्वे। तो ये इंजीनियरिंग कॉर्प्स करते हैं, अम्ब्रेला है एक तरीके से, जिसके अंदर ये 4 डिपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो अगर वॉर की बात करें तो व्हाट दे डू भाई, ब्रिज बनाते हैं, ट्रैक्स बनाते हैं, हेलीपैड्स बनाते हैं, सारी की सारी चीजें। ऑन द अदर हैंड कॉर्प्स सेंड टू द एनिमी बाय क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स। भाई इधर अगर मान लो कि कोई दुश्मन आगे बढ़ रहा है तो रोकेगा कौन, यही कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर। तो आर्मी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है, ठीक है, इंडियन आर्मी की बात करो, सब आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है जो कि बहुत ही सही तरीके से काम करती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि 2001 में जो ऑपरेशन पराक्रम हुआ था ना, उसको ये लीड कर चुके हैं। ही वॉज द लीडर ऑफ इन ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम क्या था, चलो मैं आपको बता ही देता हूं। ऑपरेशन पराक्रम की बात करें तो दोस्तों, वैसे मैंने इस पर लेक्चर लिया हुआ है, 13 दिसंबर 2001 में भारत का सबसे काला दिन क्या हुआ था, उस दिन हमारी पार्लियामेंट में हमला हुआ था। इससे 1 साल पहले आपको याद होगा कि आईसीजे 814 को हाईजैक किया गया था, आतंकी को छोड़ना पड़ा था। वो कौन आतंकी था, वो था मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का मास्टरमाइंड, और इसने एक के बाद एक हमले किए, बहुत हमले किए। जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो हमारी जो सरकार है वो तिलमिला गई कि पार्लियामेंट पे कैसे हमला हो सकता है। 7 सुरक्षाकर्मियों की जान गई, बहुत लोग घायल हुए। अब उसके बाद भारत ने ये ठान ली कि इनको तो मुंह तोड़ जवाब लेके दे के ही रहेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम, जैसे हमारी जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, हम पहले कभी किसी पे हमला नहीं करते। भारत एक बहुत ही स्ट्रांग नेशन है दोस्तों, पाकिस्तान अगर भारत में तो आज एक स्टेट होता।
तो किसी के औकात वैसे भी नहीं है, लेकिन भारत थोड़ा सा पीस में बिलीव करता है कि भाई देखो बिना बात के हमको लड़ाई नहीं करनी है। तो अब ऑपरेशन पराक्रम में क्या हुआ कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, जनरल परवेज मुशर्रफ अपने मुंह से जहर उगल रहे थे कि तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे, खुद कायरो की तरह भी ब्रिटिश में चुपके बैठे हुए हैं, इतनी औकात नहीं कि दोबारा पाकिस्तान आ जाए। तो ये सब उनका चालू था पूरा का पूरा। अब दोस्तों जनवरी आते आते इंडियन आर्मी ने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल थी वो पाकिस्तान की तरफ। 5 लाख के करीब सोल्जर्स को इन्होंने डिप्लॉय कर दिया था। इंडिया और पाकिस्तान में लगभग लगभग युद्ध हो ही गया था, और उसको लीड कौन कर रहे थे? जनरल मनोज पांडे। 5 लाख सोल्जर्स को तैनात कर दिया था, उधर पाकिस्तान ने भी 3 लाख सोल्जर्स को तैनात कर दिया था अपनी बॉर्डर के साइड। अब दोस्तों ये सब चल ही रहा था, मई में 10 की 13 मई में भूल गया हूं, मई में पाकिस्तानियों ने कायरतापूर्ण आर्मी कैंप पे जम्मू कश्मीर के हमला कर दिया। अब वहां पे लोग मारे गए, लेकिन जो लोग थे वो सोल्जर्स नहीं, उनके परिवार वाले थे। तब अटल बिहारी का ये स्टेटमेंट आया था कि हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी, हमको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, अब तो काउंटर करना ही पड़ेगा इनको। तब अटल बिहारी ने ये बोला था। और उसके बाद मई से लेकर, मई 2001 से लेकर 1.5 साल तक, 2003 तक भारत ने लगातार बमबारी की है, भयंकर शेलिंग। पाकिस्तान ने भी उधर से रिटेलिएट किया, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को इतनी पूरी बहुत बुरी तरीके से क्षति हुई थी। उस समय व्लादिमीर पुतिन ने बहुत हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का यह कहना था कि भाई देखो हम बहुत सह चुके, अब हम इससे ज्यादा नहीं सह सकते, हम बहुत शांत रह चुके। इतनी बुरी तरीके से इंडिया ने पलटवार किया था कि पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी, उधर वो एक गोली चला थी, इधर 20 चलती, खत्म हो गए थे वो लोग। तो फाइनली जब परवेज मुशर्रफ को लगा कि भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और इंडिया को भी लगा यार देखो इसमें भी काफी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर दोनों ने बैठ के सीज फायर 2003 में किया, और उसके बाद फिर बातचीत शुरू हुई। फिर 2003 से 2007 तक वो 4 साल काफी अच्छे थे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के। ओके, तो ये ऑपरेशन पराक्रम को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ठीक है, ये सबसे बड़ा, ये मतलब इनका काफी यू नो इट वॉज अ वेरी वेरी बिग ऑपरेशन। देन उसके बाद अगर बात करें तो ये एरिट्रिया हो गया, इथियोपिया हो गया, यूनाइटेड नेशंस के मिशंस होते हैं तो हर देश जो है अपने सोल्जर्स को भेजता है, तो वहां पे भी इन्होंने जबरदस्त काम किया। और उसके बाद फिर अंडमान एंड निकोबार में भी, जहां पे मिलिट्री बेस है भारत का, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस, वहां पे भी काम किया। उसके बाद फिर चाइना की बात करें, लद्दाख की बात करें, इनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर पे। भाई मैंने बताया ना 40 साल का तो इनका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हर जगह ये सर्व कर चुके हैं और मुंहतोड़ जवाब दे चुके हैं। तो भाई हम इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। देखिए इंडियन आर्मी, हम बहुत ही गर्व करिए कि हमारे पास इतनी शानदार, इतनी प्रोफेशनल और इतनी इंटेलिजेंट आर्मी है। और आप यकीन मानिए कि इंडियन आर्मी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पूरी दुनिया में। अगर अमेरिका भी सामने आ जाना तब भी वो इंडियन आर्मी को नहीं हरा सकता, इंडियन आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग। देखिए जंग जो है ना बारूद से नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है आपकी लीडरशिप से, ये आपको समझना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।